हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। तुम, हाँ तुम्हें मेरा प्यार हो, मेरा जुनून, बरसों से जिस दिन का इंतजार था आज आखिर वो दिन आ ही गया। तुम मेरे सामने हो और मैं तुम्हारे सामने, हम दोनों एक दूसरे के कितना करीब, अब कोई भी तुम्हें मुझसे जुदा नहीं कर सकता। मैं तुम्हें कभी भी अपनी नजरों से दूर जाने नहीं दूंगा, कभी नहीं। नमस्कार, सभी कला प्रेमियों का स्वागत है। मेरे एग्जीबिशन में आने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, खासकर के एसीपी प्रद्युमन और उनकी टीम को, जिन्होंने आज यहाँ आने के लिए अपना समय निकाला। अब मैं इस शहर के जाने माने उद्योगपति और इस फंक्शन के चीफ गेस्ट मिस्टर मुकुल जी से निवेदन करता हूँ कि वो रिबन काटकर इस प्रदर्शनी का शुभारंभ करें। प्लीज वेलकम। थैंक यू। आपने मुझे यहाँ बुलाया, ये मेरा सौभाग्य है, पर ये रिबन मैं अकेले नहीं काटूंगा, मैं एसीबी प्रद्युमन के साथ मिलकर इसे काटना चाहूंगा, क्योंकि आप लोगों की वजह से ही हम लोग सुरक्षित हैं। अरे नहीं नहीं मुकुल जी, ये रिबन आप ही काटिए। देखिए, हम जो करते हो हमारी ड्यूटी है, फर्ज है हमारा। प्लीज आइए ना। प्लीज मुकुल जी, प्लीज 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 कम ऑन, आइए सर। प्लीज अच्छी पेंटिंग बनाई आपने। थैंक यू दया सर। भाई इस पर सोल्ड का टैग लगा दो, ये पेंटिंग मैंने खरीद ली। एक्सक्यूज मी प्लीज। भाई मुकुल जी, अगर आपको एतराज ना हो तो भाई ये पेंटिंग तो हम खरीदना चाहेंगे। प्लीज भाई। जतिन बहुत खूब भाई, तुम तो मुझसे भी अच्छी पेंटिंग बनाने लगे। विक्रम सर, आप मुझे क्यों शर्मिंदा करें, खुश रहो, आप ही तो मेरी प्रेरणा। जीते रहो। इनसे मिलिए, एसीपी प्रद्युमन जी, दया सर और। अरे भाई इन लोगों को कौन नहीं जानता, ये लोग तो हमारे देश की शान है। अरे नहीं नहीं विक्रम जी, उल्टा आप जैसे कलाकारों की वजह से ही हमारे देश का नाम रोशन होता है। आप शर्मिंदा कर रहे हैं सर। हेलो, कब सर? सर मशहूर टीवी रिपोर्टर रौनिता जी लापता हो गई। लापता कैसे? सर कुछ घंटे पहले वो मेयर साहब का इंटरव्यू लेने के लिए जा रही थी, अपने ऑफिस से निकली तो थी लेकिन वहाँ पहुंची नहीं। सर रौनिता मेरी कजिन है, प्लीज उसे ढूंढ निकालिए। तुम्हारी बहन है रौनिता जी? ठीक है, घबराओ मत, कुछ नहीं होगा, हम ढूंढ निकालेंगे उसे। सर एक काम करो, उस रास्ते भी जाकर चेक करो जिस रास्ते से रौनिता मेयर के बंगले पर जा रही थी, और हम उसके ऑफिस में जाकर चेक करते हैं। सर हमें रौनिता जी के ऑफिस से निकले हुए 40 मिनट हो गए, वो मेयर साहब से मिलने यहीं से गई होंगी, लेकिन उनकी गाड़ी अभी तक दिखाई नहीं थी। वही समझ में नहीं आ रहा पूर्वी, ये रौनिता जी गायब कहां गई? एक मिनट पूर्वी, गाड़ी रोको, लगता है ये रौनिता जी की गाड़ी। सर गाड़ी के अंदर तो कोई भी नहीं है और आसपास भी कोई नहीं है।
टायर का निशान देख के लगता है कि यहाँ पे कोई ट्रक खड़ा था। सर मतलब रोनित जी की गाड़ी के ठीक पीछे एक ट्रक भी पार्क था। और इस निशान से साफ पता चलता है कि वो ट्रक बाद में यहाँ इस रोड पे गया है। दरवाजा तो बंद है। गाड़ी के अंदर देख के लगता तो नहीं है कि यहाँ पे हाथापाई हुई है। सब कुछ ठीक ठाक है। फिर ऐसी जगह पे रोनिता जी ने अपनी गाड़ी क्यों रोक दी? रोनिता जी की गाड़ी खराब हो गई थी, इसलिए मजबूरन उन्होंने गाड़ी यहाँ छोड़नी पड़ी। सर हो सकता है किडनैपर उनका ट्रक में पीछा कर रहा हो। सर ये देखिए, सर गाड़ी खराब होने के बाद रोनिता जी ने जरूर इस इमरजेंसी कार सर्विस को फोन किया होगा। कार सर्विस वाले को? हाँ सर। इसका मतलब है कोई ना कोई मैकेनिक तो यहाँ पे आया होगा गाड़ी देखने के लिए, और वही बता सकता है कि यहाँ पे एग्जैक्टली हुआ क्या था। जरा इस सर्विस स्टेशन में फोन करके पता करो। सर सर उनका कहना है कि रोनिता जी की गाड़ी को चेक करने के लिए एक नरेश नाम का मैकेनिक आया था और उसने अभी तक सर्विस सेंटर को रिपोर्ट नहीं की। नरेश? चीफ एडिटर, आप चीफ एडिटर शंतनु हैं? जी सर मैं ही हूँ, मैंने ही आपको फोन किया था सर। ओके, देखिए शंतनु जी, हम रोनिता का टेबल चेक करना चाहते हैं। ओके सर, गार्गी ले जाओ। जी सर। Ready? सर आप इधर हैं। शंतनु जी क्या लगता है आपको, वाकई रोनिता का किडनैप हुआ है? हाँ सर। अच्छा, किसने किया होगा ये, किसी पर शक है आपको? पता नहीं सर, वैसे रोनिता तो एक बहुत ही होशियार और निडर रिपोर्टर थी। उसने कई हाई प्रोफाइल लोगों के गैर कानूनी धंधों का पर्दाफाश किया था सर। समझ में नहीं आता कि किस पर शक किया जाए और किस पर नहीं किया जाए। शंतनु जी एक बात बताइए, ये रोनिता फिलहाल किसकी स्टोरी पर काम कर रही थी? पता नहीं सर, वो अपनी न्यूज स्टोरी तभी बताती थी जब उसका सारा रिपोर्ट तैयार हो जाता था। सर फ्रेडी ये फाइल देखिए सर, इस फाइल को आखिरी बार 6:20 को मॉडिफाई किया गया था। और रोनिता भी करीब 6:30 बजे ऑफिस से बाहर निकली थी। मतलब रोनिता ऑफिस से बाहर जाने से पहले किसी फाइल पर काम कर रही थी। इस फाइल पर, फाइल खोल के देखा? इस फाइल को खोलने के लिए पासवर्ड चाहिए, उन्होंने इसे लॉक करके रखा है। मैंने रोनिता टाइप करके देखा मगर पासवर्ड कुछ और ही है। पासवर्ड जानती है? सर अब बोल्ड BOLD टाइप कीजिए। पिछले प्रोजेक्ट में जब हमने साथ काम किया था तो उसने अपनी फाइल का पासवर्ड बोल्ड ही रखा था। BOLD, ये पासवर्ड भी गलत है, अब क्या करें सर? कोई तो पासवर्ड होगा ना फ्रेडी, कोई तो पासवर्ड होना ही चाहिए। ये रोनिता की डायरी है? जी सर। शायद इसमें हो सकता है। ये क्या नाम है, AIDA? कि ये रोनिता का पेट नेम तो नहीं? रेडी, इसे टाइप करके देखो, AIDA। सर ये फाइल तो डिलीट हो गई। फाइल डिलीट हो गई, इसका मतलब है रोनिता ने अपने कंप्यूटर को इस तरह से सेट करके रखा है कि अगर कोई 3 बार गलत पासवर्ड टाइप करे तो फाइल डिलीट हो जाएगी। ऐसा ही हुआ होगा, देखते हैं और कुछ है क्या। व्योम कौन है? सर व्योम को रोनिता का दाहिना हाथ समझिए, उसकी न्यूज स्टोरी के लिए सारी जानकारी वही ढूंढ कर लाता था। अच्छा, तो फिर ये व्योम जरूर जानता होगा कि रोनिता किसकी स्टोरी पर काम कर रही थी। व्योम
सर ये तो किसी की फोटो लग रही है। हाँ फ्रेडी। सर रोनिता को मैंने ये फोटोज डस्टबिन में डालते हुए देखा था, उसके बाद वो जल्दी जल्दी में कहीं बाहर निकल गई। अच्छा तो देखे तो सही लगा कर किसकी फोटो है ये। ये देखो फ्रेडी, ये मुकुल है मुकुल, और लगता है कि ये किसी को पैसे दे रहा होगा। फिर जरूर ये रोनिता मुकुल की स्टोरी पर ही काम कर रही थी। नरेश जी, हम लोग सीआईडी से हैं। क्या आपने रोनिता जी का कंप्लेंट कॉल अटेंड किया था? कार नंबर है XC021346। हाँ सर, मुझे ही भेजा गया था। तो क्या तुम मिले थे उनसे? नहीं मैम, मैं जब उनकी कार तक पहुंचा तो वो लॉक करके जा चुकी थी, और मैंने उनके मोबाइल पे कॉल भी किया तो फोन स्विच ऑफ आ रहा था। तो क्या ये आपकी ड्यूटी नहीं है कि आप इमरजेंसी सर्विस सेंटर में कॉल करके बताएं कि रोनिता जी कार छोड़ के चली गई? सॉरी सर, एक्चुअली मुझे पहुँचने में थोड़ा लेट हो गया था, तो मुझे लगा कस्टमर मेरे बॉस से कंप्लेंट ना कर दे, इसलिए मैंने अपने बॉस को कॉल ही नहीं किया। अच्छा ये बताओ कि उनके गाड़ी के आसपास तुमने कोई ट्रक देखा? हाँ सर, जब मैं गाड़ी के पास पहुंचा था एक आइसक्रीम ट्रक को जाते हुए देखा। आइसक्रीम ट्रक? सर इसका मतलब रोनिता जी की गाड़ी के पीछे जो टायर के निशान थे वो इसी ट्रक के थे, और किडनैपर ने रोनिता जी को इसी ट्रक में अगवा किया होगा। ये आइसक्रीम ट्रक कौन सा रंग का था? सर सफेद रंग का था, और उस पर जस्ट आइसक्रीम का लोगो भी था। जस्ट आइसक्रीम। 3 बजे के बाद जितनी भी अपॉइंटमेंट है कैंसिल कर दो, मुझे अर्जेंट काम है। अरे एसीपी सर, आइए बैठिए। थैंक। रोनिता के बारे में कुछ पता चला? हाँ कुछ राज खुल गए, सोचा कुछ आपसे पता कर लेंगे। आप क्या कह रहे हैं मैं समझा नहीं। सब समझ जाओगे फ्रेडी। ये सब क्या हो रहा है? आप मुझ पर शक कर रहे हैं? मैं भला अपनी कजन को क्यों अगवा करवाऊंगा? इसलिए ये फोटोग्राफ आपको कहां से मिला? सवाल हम तुम्हें पूछने आए, उल्टे सवाल पे सवाल तुम हमें पूछे जा रहे हो। वाह, बताओ कौन है ये आदमी? उसे पैसे ही दे रहे हो ना तुम? ये एक एजेंट है, लेकिन मैं किसी से भी मिलूं कुछ भी करूं इससे रोनिता का क्या लेना देना? क्योंकि ये फोटोग्राफ रोनिता के ऑफिस में से हमें मिला है, उसकी टेबल पर से। इसका मतलब रोनिता मुझ पर नजर रखी हुई थी, लेकिन क्यों? मुझे तो इस बारे में पता भी नहीं। झूठ बोल रहे हैं आप। आपकी अपॉइंटमेंट डायरी में व्योम का नाम लिखा हुआ है। कौन है ये व्योम? इस व्योम का नंबर तुम्हारे डायरी में कैसे, क्यों? सर ये वो आप मेरी पूरी बात सुन लीजिए। मुकुल जी, तुम्हारे मेहमान बनकर हम तुम्हारे एग्जीबिशन में आए थे, अब तुम हमारे मेहमान बनकर हमारे ब्यूरो में चलिए। इस रोड पर तो हमारा ट्रक कभी जाता ही नहीं, ये जरूर वही ट्रक होगा जो कुछ दिन पहले चोरी हो गया था। कहाँ से चोरी हुआ था ये ट्रक हमारा? ट्रक का ड्राइवर ट्रक को लेकर अपने घर गया था, वहीं पर किसी ने उस पर हमला किया और ट्रक लेकर भाग गया। सर ये उस ट्रक का ड्राइवर है मोंटू। मोंटू, ये सब कब हुआ, कैसे हुआ, शुरू से बताओ। साहब मैं ट्रक लेके अपने घर गया था खाना खाने, और पीछे से कोई ट्रक में घुसा और मेरे ऊपर वार कर दिया। आपने उसका चेहरा देखा था? नहीं, उसने किसी चीज से वार किया और मैं बेहोश हो गया। अच्छा उस आदमी के बारे में कुछ और बता सकते हो? साहब उसके शरीर से मांस की बदबू आ रही थी। मांस की बदबू? थैंक यू। टीवी रिपोर्टर की किडनैपिंग, आइसक्रीम ट्रक की चोरी, और किडनैपर के शरीर से मांस की बदबू, सारे कड़ियों को छोड़ना होगा। बताओ मुकुल, अपनी बहन रोनिता को किडनैप करके कहां रखा है तुमने उसे?
सर मैंने रोनिता को किडनैप नहीं किया। इनफैक्ट जब ये खबर मिली मैं तो आप ही के साथ था एग्जीबिशन में। क्या चाल चली है तुमने मुकुल जी? हाँ? हमारे साथ रहकर तुमने अपनी बहन को किडनैप करवा लिया ताकि तुम पर कोई शक ना करे है ना? पर सर मैं रोनिता को क्यों किडनैप कराऊंगा? क्योंकि आप बड़े बड़े टेंडर रिश्वत खिला के पास करवाते हैं और रोनिता इस बात को दुनिया के सामने लाना चाहती थी इसलिए। क्यों है ना ये सच? हाँ ये सच है कि टेंडर पास करवाने के लिए मैं थोड़ी बहुत हेरा फेरी करता था पर रोनिता इस बात को जानती थी मुझे पता नहीं था। फिर तो आप व्योम को भी नहीं जानते होंगे। कौन व्योम? व्योम वही व्योम जो तुम्हारे काले कारनामे तुम्हारी बहन रोनिता को बताता था और जिसका फोन नंबर हमें तुम्हारे ऑफिस से मिला वो व्योम। ओके मैं मानता हूं कि मैं व्योम को जानता हूं। मेरे अलावा दूसरे जिन लोगों ने टेंडर्स भरे हैं उनकी कॉपीज चुराकर मुझे लाकर देता था पर यही बातें वो रोनिता को भी बताता था मुझे पता नहीं था। अच्छा नहीं मालूम। पूर्वी जरा व्योम को फोन लगा। विनीत उस आइसक्रीम के ट्रक ड्राइवर से कुछ पता चला? सर वो ड्राइवर कुछ देख तो नहीं पाया लेकिन हाँ उसने इतना जरूर बताया कि जिस आदमी ने उसके ऊपर हमला किया था उसके शरीर से कुछ मांस और मटन की बू आ रही थी। मांस मटन की बू आ रही थी? इसका मतलब है ये आदमी जरूर वहीं पे काम करता होगा जहाँ पर मांस मटन का पैकिंग होता है। जरा मैप निकालो। एक, ये दो, तीन और ये है चार। शहर में चार जगह हैं जहां पर मांस मटन का पैकिंग होता है। मतलब सर हमें इन चारों जगहों को जाकर चेक करना पड़ेगा। बिल्कुल चेक करना पड़ेगा। सर हाँ। सर व्योम का फोन ऑन हो चुका है उसकी लोकेशन ट्रैक हो गई है। कहां पर? सर चिंचोली एरिया। चिंचोली एरिया व्योम उठाओ इस व्योम को चिंचोली एरिया से। पता तो चलेगा ये मुकुल सच बोल रहा है या ये व्योम। जी आप लोग रोनिता जी के बारे में आपसे कुछ बात करनी है। रोनिता? कौन रोनिता? पता नहीं सर इनके दिमाग में क्या चल रहा है। पहले मना करते फिर मान जाते हैं। मुकुल ने तुम्हारे बारे में हमें सब कुछ बता दिया है व्योम और तुम उसके लिए क्या काम करते हो ये भी बताया। हमें पता चल चुका है कि तुम मुकुल के सीक्रेट रोनिता जी को बेचते थे और रोनिता जी के सीक्रेट मुकुल को। दोनों को डबल क्रॉस कर रहे हो तुम। अब आप लोगों को सब पता चल ही चुका है तो मैं और क्या बोलूं? रोनिता को किडनैप करके कहां रखा है? क्या रोनिता किडनैप हो गई है? नाटक मत कर समझा? नहीं सर मैं सच बोल रहा हूँ। मुकुल जी के बारे में खबर देने के बदले रोनिता मुझे ढेर सारे पैसे देती है। मैं भला उसे किडनैप क्यों करूंगा? आज सुबह कहां थे तुम? मैं मुकुल जी के ऑफिस में था। आप चेक कर सकते हैं। रोनिता से तुम्हारी आखिरी बार बात कब हुई थी? मुकुल जी के ऑफिस से निकलने के बाद मैंने उसे फोन किया था। कितने बजे? एक मिनट ये 12 बजे। 12 बजे? वो 12 बजे तो गायब थी। और सर हमने रोनिता का मोबाइल चेक किया था उसमें इनका नाम और नंबर दोनों ही नहीं थे। मैंने उसके प्राइवेट नंबर पर फोन किया था ये वाला नंबर देखिए। मतलब ये सब काम करने के लिए रोनिता जी ने अलग नंबर रखा था प्राइवेट नंबर। क्या बात हुई थी रोनिता के साथ? फोन कनेक्ट हुआ था मैं हेलो हेलो कर रहा था लेकिन सामने से कोई आवाज नहीं आई। हाँ लेकिन आसपास कोई रेलवे ट्रैक जरूर होना चाहिए क्योंकि ट्रेन की आवाज आ रही थी। अच्छा ट्रेन की आवाज तो फिर अभिजीत
रेलवे लाइन के आसपास जितने भी मीट पैकिंग फैक्ट्रीज है चेक करो। ये आइसक्रीम ट्रक तो यहां पर है, इसी में रोनिता जी को किडनैप किया गया था। इतनी होनी चाहिए। ये सब कौन है सर? ये पुतले हैं सर, मॉम के पुतले। बाहर आइसक्रीम का ट्रक, यहां मॉम के पुतले और रोनिता जी गायब। चेक करो। अरे बाप रे, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। कितनी ठंडी है यहाँ पे, मगर मुझे बहुत पसीने छूट रहे। ये तो रोनिता जी जैसा दिखने वाला पुतला है सर। क्या देखिए सर, अरे रोनिता इतनी फेमस हो गई कि लोग उसका पुतला बनाने लगे। नहीं फ्रेडी, इस पुतले में कुछ खास बात है। ये पुतला बाकी पुतलों से अलग है। रोनिता जी, डॉक्टर साहब क्या लगता है? अभिजीत, खूनी ने पहले इस बेचारी रोनिता के पूरे शरीर पर खोलता हुआ मोम डाला, उसके बाद अपनी कारीगरी दिखाई। मौत कैसे हुई रोनिता जी की? अभी तो इसके शरीर को मोम से बाहर निकाला है, मौत कैसे हुई जानने के लिए तो इसकी बॉडी को फॉरेंसिक लैब ले जाना पड़ेगा। सर, सर ये राजू है, इस गोडाउन की देख रेख यही करते हैं। राजू, ये लाश कैसे आई यहाँ पे? मुझे पता नहीं सर, मैं तो सिर्फ इतना जानता हूँ कि यहाँ बहुत सारे मोम के पुतले रखे जाते हैं। लेकिन तुमने किसी को तो देखा होगा, कौन आया था यहाँ पे? कोई नहीं सर। सो रहे थे है? किसका गोडाउन है ये? ये विक्रम सर का है, और यहाँ पे जितने भी मोम के पुतले रखे हैं ये उन्होंने ही बनाए। विक्रम जी जो बहुत बड़े कलाकार हैं, बहुत बड़े मूर्तिकार। विक्रम जी घर पे है क्या? हम लोग सीआईडी से। हाँ है। कहिए सर, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? तुम्हारे वर्कशॉप में विक्रम जी, हमें रोनिता जी की लाश मिली है। लाश? क्या लाश मेरे वर्कशॉप से? जी हाँ। क्यों फोन किया आपने उनका? तुम्हें क्या लगा किसी को पता ही नहीं चलेगा कि वो मोम का पुतला नहीं, एक औरत की लाश है जिस पर मोम की परत चढ़ी हुई है। बताइए क्यों किया इतने बेदर्दी से खून? मैंने रोनिता जी को नहीं मारा सर, मैंने जानता कि रोनिता जी की लाश का पुतला बनाकर किसने और क्यों मेरे वर्कशॉप में रखा। सर मैं तो पिछले कई दिनों से अपने वर्कशॉप में गया ही नहीं सर।
आप लोग चाहें तो वहां जाकर पूछताछ कर सकते हैं सर। मैं रोनिता जी को जिंदगी में कभी मिला तक नहीं सर, अब मेरा उनसे कोई संबंध ही नहीं, मैंने तो सिर्फ उनको टीवी पर देखा है बस। चलो मान लिया विक्रम जी कि तुम रोनिता जी को जानते ही नहीं थे, लेकिन एक बात तो बता सकते हैं कि उनकी लाश से बना ये मोम का पुतला तुम्हारे वर्कशॉप में कैसे? वो मैं नहीं जानता सर। हाँ सर एक बात है, कल सुबह मेरे वर्कशॉप के सब पुतले एक प्रदर्शनी के लिए ले जाए जाने वाले थे। क्या कहा, प्रदर्शनी में? हाँ सर। अभिजीत, इसका मतलब है कि ये खूनी अपना जुर्म छुपाना नहीं चाहता, वो चाहता है कि रोनिता जी की लाश से बना मोम का पुतला पूरी दुनिया देख सके। यार सारुंखे, क्या इसकी मौत जहर से हुई थी? नहीं मां, बिल्कुल नहीं। मगर सर इनके बॉडी पे तो कोई निशान भी नहीं है, और ना ही इन्हें गोली मारी है या किसी ने चाकू मारा है, तो फिर इनकी मौत हुई कैसे? रोनिता जी की मौत दम घुटने की वजह से हुई। दम घुटने की वजह से? हाँ। मतलब सर खूनी ने पहले रोनिता की सांसें रोक दी, उसके बाद इसके शरीर पर गर्म मोम डाला। नहीं विनीत, जब रोनिता जी पर गर्म मोम डाला गया उस वक्त ये जिंदा थी। जब इस पर खोलता हुआ मोम डाला गया तब ये जिंदा थी? हाँ। यार सारुंखे, ये तू किस बेसिस पे कह सकता है? ये देखो, ये इनके शरीर पर देखो चमड़ी जगह जगह से जल गई है, और कहीं कहीं से तो ये देखो ये चमड़ी निकल भी रही। सिर्फ इतना ही नहीं सर, हमें रोनिता के खून में से नींद की दवा मिली है, इसलिए लगता है कि खूनी ने पहले इसे दवा देकर गहरी नींद में सुला दिया और उसके बाद खोलता हुआ मोम इसके शरीर पर डाल दिया। और वो गरम गरम मोम जब इनके शरीर पर पड़ा तो इनकी चमड़ी जल गई, और बाद में वही मोम जब ठंडा हो गया तो इनके पूरे शरीर पर मोम की एक मोटी परत, एक लेयर जम गई। सर और इसकी वजह से रोनिता का दम घुट गया? हाँ। खूनी ने बेचारी पर खोलता हुआ मोम डाल दिया ताकि एक खूबसूरत सा पुतला बने और फिर लोग इसे एग्जीबिशन में देख सके। सर इसका मतलब खूनी एक ऐसा आदमी है जो मोम से पुतले बनाने की कला को जानता है। हाँ पूर्वी, मगर गलत इस्तेमाल किया है उसने अपनी कला का, गलत इस्तेमाल किया है। विक्रम के बारे में क्या पता चला? तो विक्रम का हमारे पास कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। क्या? विक्रम का कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं? एसीपी प्रद्युमन, यह क्या? ठीक, हम पहुंचते हैं। क्या हुआ सर? प्रसिद्ध लेखिका शर्मिला जी गायब हो गई है। मैं ही शर्मिला का पति हूँ। आप ही ने फोन किया था हमें? जी हाँ, शर्मिला अचानक गायब हो गई, तब से मैं बहुत टेंशन में हूँ। देखिए राकेश जी, आप टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, आपकी पत्नी शर्मिला जी को हम ढूंढ निकालेंगे। अच्छा ये बताइए कि आपकी पत्नी शर्मिला जी कब गायब हुई थी? सर वो मॉर्निंग वॉक के लिए निकली थी। आपकी पत्नी हर रोज मॉर्निंग वॉक करने जाती है? जी हाँ। तो फिर उनके गायब होने की खबर आपने हमें पहले क्यों नहीं दी? सर ऐसा है कि शर्मिला एक कामयाब लेखिका है, वो कब कहाँ किससे मिलने जा रही है ये हर समय बताकर तो नहीं जाती, और फिर वो स्वाभिमानी और कड़क मिजाज की, हर वक्त कोई उसे टोकता रहे ये उसे पसंद नहीं। लेकिन जब वो नहीं आई तो मुझे चिंता होने लगी कि वो कहीं कोई मुसीबत में तो नहीं है। तो फिर आपने शर्मिला जी को फोन करने की कोशिश नहीं की? कई बार फोन किया लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ बता रहा है। मिस्टर राकेश, आपकी पत्नी की किसी के साथ बहस वगैरह हुई थी? देखिए सर वो सिर्फ किताबें या कहानियां नहीं लिखती, वो एक क्रिटिक भी है। वो अखबार में कला के बारे में, फिल्म के बारे में, सामाजिक मुद्दों के बारे में भी लिखती है। उसे किसी का डर नहीं, जो सच है वो अपने अखबार में लिखती है। और जाहिर है कि इस बात से काफी लोगों को प्रॉब्लम भी होगी। बिल्कुल, उसका लेख पढ़कर बड़ी बड़ी हस्तियां नाराज हो जाती हैं। ये शर्मिला जी हाल ही में कुछ खास करने वाली थी? जी हाँ सर, वो अपने नई किताब के लॉन्चिंग फंक्शन में जाने वाली थी। पहली बार तो वो खूनी अपनी मोम की कारीगरी को एग्जीबिशन तक नहीं पहुंचा पाया, लेकिन इस बार वो जरूर कोशिश करेगा कि उसका अधूरा सपना पूरा हो। अच्छा ये बताओ कि ये बुक लॉन्च का फंक्शन कहाँ होने वाला है? सर शर्मिला जी की बुक लॉन्च की तैयारी चल रही है। मतलब वो किडनैपर कभी भी यहाँ पे आ सकता है। एक्सक्यूज मी, हम लोग सीआईडी से हैं। क्या बात है? यहाँ पे कितने लोग काम करते हैं?
7-8 लोग। और आप इन सबको जानती हैं? जी हाँ, मेरी मैनेजमेंट कंपनी के लोग हैं। ठीक है, कोई अनजान आदमी या औरत दिखे तो हमें तुरंत इन्फॉर्म करना, ठीक है? श्योर सर। मैडम, मैडम, मैडम जल्दी इधर आइए, मैडम जल्दी इधर आइए। सर ये देखिए सर, क्या हो गया? दूर खड़े हो जाओ। सर रोनिता जी की तरह इस पर भी खोलता हुआ मोम डाला गया, इसलिए शर्मिला जी की मौत हो गई। और खूनी ये सब कर क्यों रहा है? और शर्मिला जी की मोम के पुतले को यहाँ अंदर लाया कैसे? ये पुतला अंदर आया कैसे? आपने से किसी ने उस खूनी को देखा? बट सर, जब मैं टेरेस पे आई थी तब ये पुतला यहाँ नहीं था। जब आप यहाँ आई तो मेन डोर का ताला ठीक था? यस मैम, मैंने अपनी चाबी से दरवाजा खोला था। सर स्विमिंग टैंक साफ करने के लिए कोई आदमी आया तो था? तब आप कहाँ थे? एक्चुअली मैम, डेकोरेशन का सामान आया था तो मैं वही लेने गई थी, शायद तभी। हाँ हाँ, तभी एक आदमी आया तो था। तुमने उस आदमी का चेहरा देखा? दूर से देखा था सर, कुछ याद नहीं है। रोनिता की मोम के पुतले में लाश और अब शर्मिला की लाश मोम के पुतले में, क्या कनेक्शन हो सकता है? सर, सर शर्मिला जी की फोरेंसिक रिपोर्ट आ गई। सर इनकी मौत भी वैसे ही हुई थी जैसे रोनिता जी की हुई थी। ये देखो, गरम मोम की वजह से चमड़ी जल गई, खून में नींद की दवाई, दम घुटने से मौत। अभिजीत बिल्कुल वही तरीका मरने का। सर इस खूनी के सीने में तो दिल ही नहीं, कितनी बेरहमी से खून किया इसने दोनों का। सर दोनों ही खून में कनेक्शन दिख रहा है, रोनिता जी और शर्मिला जी। दोनों औरतों की उम्र 40 साल, एक टीवी रिपोर्टर एक लेखिका, दोनों निडर औरतें, दोनों का काम एक, समाज में काले कारनामे करने वाले लोगों का पर्दाफाश करना। इसीलिए दोनों को मार डाला? लगता तो यही है। यानी सर कोई और औरत होगी जो ऐसा काम करती होगी, खूनी उसे भी अपना निशाना बना सकता है। हाँ विनीत, और इस सीरियल किलर तक पहुंचने के लिए हमें एक आदमी की मदद लेनी पड़ेगी, विक्रम। सर नमस्ते। हाँ विक्रम। विनीत सर बताइए, मुझे यहाँ क्यों बुलाया? विक्रम एक काम है, मोम के पुतले बनाने वाले लोग तो गिने चुने ही होंगे और उनके बारे में तुम बहुत कुछ जानते होगे, है ना? जी जी हाँ सर। विक्रम जी ये फोटो देखिए, ये दो मोम के पुतले हैं, रोनिता जी और ये शर्मिला जी। अब बता सकते हैं ये कलाकारी किस आर्टिस्ट की है? सर दोनों पुतले एक ही कलाकार के बनाए हुए हैं, दोनों पुतलों के एक ही स्टाइल में तराशा गया है, छोटी से छोटी बारीकी का बहुत ध्यान रखा गया है, बहुत समय दिया गया है सर ये पुतले बनाने में। कौन कौन आर्टिस्ट है ये? कभी देखा है इसका काम? जी हाँ सर, इस शहर में एक ही कलाकार है जो इस स्टाइल में पुतले बनाता है। कौन है? जी उसका नाम है उत्तम। उत्तम? ये झूठा इल्जाम है मुझ पर, मैं तो इन दोनों औरतों को जानता तक भी नहीं, मैं क्यों इनकी जान लूंगा, मैं क्यों इनके मोम के पुतले बनाऊंगा? मिस्टर उत्तम, ये जिस तरीके से मोम के पुतले बने, ये लेयरिंग, ये ड्रेपरी का स्टाइल, ये आपका नहीं है। मैं मानता हूँ कि ये लेयरिंग और ड्रेपरी का स्टाइल मेरा ही है, लेकिन मेरे स्टाइल में कोई और भी तो काम कर सकता है, मैं इस साबित कर सकता हूं। अच्छा कौन बना सकता है, कौन है वो आदमी? ये चिट्ठियां मुझे किसी गुमनाम शख्स ने लिखी है सर, यही वो आदमी है। तुमसे अच्छा कलाकार तो मैं हूं, लेकिन तुमसे अच्छा नसीब मेरे पास नहीं है। बहुत इंतजार कर लिया, अब नहीं। इस पे ना तो किसी का नाम लिखा है, ना ही कोई पता लिखा है। अब मेरी कला का प्रदर्शन होगा और तुम्हारे बनाए गए मोम के पुतलों से कहीं अच्छे और सच्चे दिखेंगे मेरे मोम के पुतले। तुम्हें 3 साल लगे, लेकिन मुझे सिर्फ 3 हफ्ते लगेंगे अपनी कारीगरी दुनिया के सामने लाने में। सिर्फ 3 हफ्ते।
ये बात तो तय है कि ये चिट्ठी लिखने वाला आदमी ही खूनी है। यही वो कलाकार है जिसने रोनिता जी और शर्मिला जी को मारा और उनके मोम के पुतले बनाए। उत्तम जी, आपका ऐसा कौन सा कॉम्पिटिटर है जो इस हद तक गिर सकता है? ऐसा तो कोई मुझे याद नहीं आता सर। किसी पे शक है आपको? जी नहीं सर। हाँ सर, इस खत में लिखा है तुम्हारा करियर खत्म हो जाएगा बबलू। आपका नाम बबलू है क्या? कॉलेज में मुझे बबलू कहते थे। कौन से कॉलेज में पढ़ते थे आप? के कॉलेज ऑफ आर्ट्स। के कॉलेज ऑफ आर्ट्स, वहीं से पता चलेगा कि और कौन कौन स्टूडेंट्स थे जो इनके साथ मूर्ति कला सीख रहे थे। नमस्ते सर, हम लोग सीआईडी से। ओ, मेरे सेक्रेटरी ने बताया था कि किसी केस के सिलसिले में आपको कुछ पूछताछ करनी है मुझसे। दरअसल दो औरतों का खून हो गया है, किसी ने उनके शरीर में गरम गरम मोम डाल के उनका खून कर दिया और उनके पुतले बना दिए हैं। ऐसा वैश्यपन कौन कर सकता है? आप उत्तम नाम के स्टूडेंट को जानते हैं? उत्तम? हो, बबलू। हाँ, वो 2005 के बैच में था। 2005? प्रिंसिपल साहब, उस बैच के जितने भी स्टूडेंट्स थे, हमें उनकी लिस्ट चाहिए, और खास तौर पे वो लोग जो मोम के माध्यम में काम कर रहे थे। देखिए, बहुत पुरानी फाइल है, मैं कोशिश करके आपको भिजवाता हूँ। ओके ओके सर। और सर, ये 2005 के जो चीफ इंस्ट्रक्टर थे उनसे भी मिलना है हमें। उनका तो 2005 में ही खून हो गया था। खून हो गया? नाम क्या था उनका? दिव्या। कैसे मौत हुई दिव्या जी की? उनकी बॉडी एक कोल्ड स्टोरेज में पड़ी हुई मिली। बहुत तहकीकात हुई लेकिन खूनी का कुछ भी पता नहीं चला। और कुछ बता सकते हैं आप दिव्या जी के बारे में? देखिए, वो बहुत ही स्ट्रिक्ट थी, कड़क स्वभाव था उनका। स्टूडेंट गलती करता था तो वो बहुत डांटती थी उन्हें। उम्र क्या रही होगी उनकी? यही लगभग 40 के आसपास रही होगी। 40 साल? 40 साल की औरत, कड़क स्वभाव और डिसिप्लिन वाली, बिल्कुल शर्मिला जी और रोनिता जी जैसी। यानी कि खूनी ऐसी औरतों का खून कर रहा है? हाँ फेटी, लगता है ये दिव्या जी का खून उस सीरियल किलर का पहला मर्डर था। सर, पुलिस रिकॉर्ड के हिसाब से दिव्या जी के सर पे किसी भारी चीज से वार किया गया था जिससे उनकी मौत हो गई थी। बाद में उनकी लाश एक पुराने कोल्ड स्टोरेज प्लांट में मिली थी। और क्या पता चला दिव्या के बारे में? सर, के स्कूल ऑफ आर्ट्स के स्टूडेंट ने बताया कि वो बहुत ईमानदारी से अपना काम करती थी और थोड़े कड़क स्वभाव की थी, इसलिए बच्चे उनसे डरते भी थे। शर्मिला और रोनिता दोनों भी तो निडर और कड़क स्वभाव की थी, बिल्कुल इस दिव्या की तरह ही। सर, ये उत्तम दिव्या जी का सबसे फेवरेट स्टूडेंट था। अच्छा, इस उत्तम के साथ जो बाकी स्टूडेंट्स थे उनकी लिस्ट मिल गई? जी सर, उत्तम जी के साथ उस बैच में 25 स्टूडेंट्स थे और उनमें से 4 स्टूडेंट्स मोम के माध्यम में काम करते थे। तो फिर इन चारों का कच्चा चिट्ठा निकालो, पता लगाओ इन चारों के बारे में। सर, मैंने प्रिंसिपल से रिकॉर्ड्स मंगवाए, आज आ जाएंगे। हेलो, क्या कहाँ से? ओके ओके ओके, हम लोग देखते हैं। सर, सोशल एक्टिविस्ट रजनी जी का किडनैप हो गया है। रजनी का किडनैप हो गया है? कहाँ पर? मॉर्निंग वॉक से लौट रही थी सर, घर के सामने किसी ने अगवा कर लिया। वो खूनी उन्हें कहाँ ले गया होगा सर? एक जगह हो सकती है जहाँ खूनी ने पहला खून किया था दिव्या जी का, वो बंद पड़ा हुआ सुनसान कोल्ड स्टोरेज प्लांट। हाँ अभिजीत, बिल्कुल सही है। इससे पहले कि रजनी की जान चली जाए, हमें इस खूनी को पकड़ना ही होगा। तुम कौन हो? क्यों मुझे लेकर आए हो? मुझे जाने दो प्लीज, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? कैसे जाने दूं? तुम ये सब इसलिए कह रही हो क्योंकि तुम नहीं जानती हो, दुनिया की सबसे सुंदर और महान मूर्तियों में तुम्हारा नाम लिया जाएगा। आज से हजारों साल तक लोग तुम्हें याद करेंगे, अमर होने वाली हो तुम। करना क्या चाहते हो तुम? ज्यादा कुछ नहीं, बस तुम्हारी मोम की मूर्ति बनाना चाहता हूँ मैं। ये जो तुम्हें सामने गरम गरम खोलता हुआ मोम दिखाई दे रहा है ना, ये मोम तुम्हारे शरीर पर डाल दूंगा। थोड़ा सा जलेगा, ज्यादा नहीं, क्योंकि मैंने ऑलरेडी तुम्हें सेडेटिव दे रखे हैं। उसके बाद मैं तुम्हें कोल्ड स्टोरेज में डाल दूंगा और ये गरम गरम पिघलता हुआ मोम तुम्हारे शरीर पर जम जाएगा, और उसके बाद
उसके बाद मैं अपनी कलाकृति दिखाऊंगा। नहीं, नहीं, प्लीज मुझे मरना नहीं है। यही है वो पुराना कोल्ड स्टोरेज, संभाल के। मोम भी सही तापमान पर गर्म हो गया है। नहीं, मुझे नहीं मरना है, छोड़ दो मुझे। जाने दो मुझे, जाने दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा, छोड़ दो। भगवान के लिए छोड़ दो मुझे। तुम ऐसा नहीं कर सकते। नहीं, नहीं मुझे जाने दो मुझे। शुभ काम के समय रोया नहीं करते, हंसो, मुस्कुराओ। अरे मुस्कुराओ, तुम्हारे अमर होने का समय आ गया है। तुम मेरी सबसे खूबसूरत कृति होगी और तुम्हारी मूर्ति की नुमाइश मैं नेशनल म्यूजियम में करूंगा। मिस्टर व्योम, के कॉलेज ऑफ आर्ट्स का नाम बदनाम कर रहे हो, असली नाम क्या है तुम्हारा, असली नाम? सिद्धार्थ बाब है मेरा, पहचान छुपाने के लिए नाम बदला था मैंने। और अपना अपराध छुपाने के लिए तुमने हमारी मदद की, बहुत कोशिश की तुमने हमें गुमराह करने के लिए। रोनिता जी के बारे में इंफॉर्मेशन देना, वो फोन के डिटेल्स, रेलवे ट्रैक की आवाज, अच्छा नाटक था। क्यों मारा तुमने दिव्या जी को? हमेशा मुझे डांटती रहती थी, उत्तम ही उसका सबसे चहेता स्टूडेंट था। इसी कोल्ड स्टोरेज में हम लोग प्रैक्टिकल्स के लिए आया करते थे और इसी कोल्ड स्टोरेज में उसने सबके सामने मेरा अपमान किया था। और इसीलिए तुमने दिव्या जी को इस कोल्ड स्टोरेज में मारा और उत्तम के स्टाइल में उसका पुतला बनाया ताकि उत्तम फंस जाए। हाँ, दिव्या जैसी औरतों को मारकर मैं अपना गुस्सा उतारता रहा। दिव्या ने मेरा भविष्य बर्बाद कर दिया था। कोई किसी का भविष्य बर्बाद नहीं करता है, इंसान अपना भविष्य खुद बनाता है या खुद बिगाड़ता है, तुम्हारी तरह। फांसी होगी तुम्हें, फांसी। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।